तो आई थिंक हमारा बहुत बड़ा वाला कट गया है। Was our home for just few hours, but was a lovely, lovely hotel and already time to leave. Welcome back to the channel, guys. I hope all of you guys are doing extremely well. फिलहाल तो हम अमृतसर से एग्जिट कर रहे हैं and we had such a beautiful goodbye from this place. सारे subscribers जो है निखिल के और हमारे हमसे मिलने आए थे. I think I met one of the most warmest set of subscribers here. My heart feels really, really happy. And अमृतसर का जो experience था पूरा ही बहुत ज़्यादा अच्छा था. Yesterday night जैसे हम यहाँ पे पहुँचे, we went early morning to the Golden Temple. Here are some very beautiful glimpses of the place and my wonderful experience there. It was 20th of December around 3:30 AM in the morning when we decided to go visit the Golden Temple in Amritsar, and we wanted to be there around 4 sharp because 4 o'clock is the most auspicious time to visit the Golden Temple as the Palki Sahib is brought in there. So we thought, let's go then and there. As we entered, it was really, really so beautiful. It was my first time in Amritsar, first time in the Golden Temple, and I was awestruck by how divine this place looks. I felt really, really happy. से एग्जिट करने से पहले वी एक्चुअली वांटेड टू गो शॉप. फुलकारी दुपट्टा एंड ऑल दैट मिलता है यहाँ पे एंड जूतीज एंड सूट. तो हमने कहा लेट अस चेक आउट द मार्केट बिफोर वी गो. निखिल इज कंप्लेनिंग बिकॉज़ देयर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक. ओके, बट यहाँ पर मैं सच बोलूं ट्रैफिक है, बट मुंबई से बेटर ड्राइवर है. हाँ, बहुत सेंसिबल ड्राइवर है. नीचे ऊपर आफ्टर 2 hours 45 minutes ऑफ एन अमेजिंग ड्राइव निखिल चला रहा था कब से. मैं तो सो गई थी बिकॉज आज दिन में मैं सिर्फ 2 घंटे सोई थी. तो ये जो बैक सीट है ना, इतना परफेक्ट है मेरे लिए. मेरे साइज़, मेरे हाइट के लिए इतना परफेक्ट है कि मैं अच्छे से फिट आ जाती हूँ. तो मैंने 2 घंटे की इतनी अच्छी नैप ली है. आई फील सो फ्रेश एंड एनर्जेटिक राइट नाउ. तो मैंने बोला लेट्स टेक अ ब्रेक नाउ बिकॉज यहाँ पे 9 बजे के बाद सब कुछ बंद होने लगता है, तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा. एंड वी आर गोइंग टू जयपुर, विल बी रीचिंग रियली लेट. तो वहाँ भी नहीं पता पहुँच के खाना मिलेगा, नहीं तो इट्स बेटर वी टेक फूड विथ अस राइट नाउ. Literally the best bathroom I've ever been to. So nice. तो मैं सोच रही थी कि ये क्या है. तो I opened it, I thought it'll be a window and it is. तो यहाँ पे you can sit down and have your lunch, your dinner, your breakfast and enjoy. आज फाइनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी नींद आई. आई थिंक आई निखिल एंड इवन हैप्पी नीडेड इट. एंड अभी इट्स टाइम टू हैव लंच बिकॉज ऑलरेडी दोपहर के 2 बज रहे हैं एंड वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम इन जयपुर इस बार. तो वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर ऑल्सो, शॉपिंग भी करना है काफ़ी सारा. सो होपफुली वी कैन डू एवरी थिंग एंड ऑल्सो एक्सप्लोर दिस ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी. Do you have sparkling water? निखिल का जो है स्पार्कलिंग वाटर का डिमांड कभी भी खत्म नहीं होता, नो मैटर वेयर वी गो. एंड योर फूड जस्ट लुक्स अमेजिंग. एक्चुअली कब से इतना ज़्यादा खाना आ रहा है, सो स्टमक इज लाइक ऑलमोस्ट फुल, बट आई एम एक्साइटेड टू ट्राई दिस फूड. एंड द होल वाइब ऑफ ईटिंग आउटडोर्स इज अमेजिंग. माय फैमिली जा रही है, उनको लग रहा है कोई इंटरव्यू चालू है. यस सर, यस सर, बोलते हैं कुछ चालू है खाने का. कोई एक्टर लोग लोगों ने हमारा इतना अच्छा और इतना प्यारा वेलकम किया है जो कल रात को नहीं हो पाया था. फेल्ट सो रॉयल, लिटरली लाइक अ किंग एंड क्वीन.
ऐसा लग रहा था हमारी शादी है ना, इतना ग्रैंड वेलकम था. एंड अभी हम जा रहे हैं मार्केट, जयपुर के मार्केट जो बहुत बढ़िया होते हैं फॉर शॉपिंग. सो आई टोल्ड निखिल वी हैव टू गो देयर. तो ये जो प्रॉपर्टी है फेयरमॉन्ट जयपुर, इट्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ जयपुर. थोड़ा अंदर की तरफ जाने के लिए एवरीथिंग इज अ लिटिल बिट फार, लाइक हाफ एन आवर तो चलता है. एंड जाना तो पड़ेगा ही. और मुझे कपड़े, जूती, ज्वेलरी बहुत कुछ लेना है. इतने सारे मार्केट्स है कि बहुत डिफिकल्ट होता है कि कौन सा सिलेक्ट करे. पर फिर हमने सिलेक्ट किया सिरे डियोरी गेट मार्केट. यहाँ पे आई थिंक ज्वेलरी, कपड़े, दुपट्टा ये सब मिलता है. चलो इसका भी मजा ले लेते हैं. और अभी हमको पता चला कि महारानी मार्केट है पास में, वहाँ पे और अच्छा सामान मिलता है. तो कैरेक्टर थी सड़क पिक्चर की. हाथी का रथ है, अप्रैल में जब महाराजा की सवारी निकलती है तो हाथी का रथ साल में एक बार अप्रैल में निकलता है यहाँ पे. बोला बाजू भाई जा रहे हैं. आई थिंक हमारा बहुत बड़ा वाला कट गया है. हम एक दुकान में गए थे अभी, तो ये जो चीज़ है उसका प्राइस ही सेड 4,500 रुपीज़. निखिल ने दो खरीदा है. I'm angry. You will get 1,400 रुपीज़ का टू. और सब्सक्राइबर बोलेंगे 400 रुपये 200 रुपये में मिलेगा. और हमने जो ये लिया 2850 का है, हमने 2850 का लिया ये वाला. और ये वाला 400 रुपये का है यहाँ पे. बैक टू द होटल रूम, टू अ लवली होटल रूम. और हम लोग जितना शॉपिंग कर सकते थे उतना किया, बिकॉज 8 बजे या 7 बजे सारे, एक्चुअली बिकॉज 7 बजे सारे के सारे दुकान और मार्केट यहाँ पे बंद हो जाते हैं. तो जितना शॉपिंग हम कर पाए उतना मैंने किया. ऑफकोर्स मैं और करना चाहती हूँ, तो शायद अगली बार. आफ्टर एवरी थिंग इट्स टाइम टू हैव डिनर. बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे, आई डोंट नो वाई, प्रॉब्ली बिकॉज इतनी ठंडी है इसलिए. एंड यहाँ पे बहुत अच्छा बूफे लगा हुआ है, बट फिर भी मुझे आज चाइनीज़ खाने का मन किया. बिकॉज मेरा ऐसा है कि वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग एटलीस्ट वंस आई हैव टू ईट चाइनीज़ एटलीस्ट वन टाइम. बिकॉज अभी मैं रेगुलर नहीं खाती हूँ, एक महीने में एक बार या दो बार मैक्सिमम चाइनीज़ खा लेती हूँ. सो लाइक आई वॉन्ट टू ईट चाइनीज़ टुडे. आई एम लिटरली लाइक अ हैप्पी किड लुकिंग इन माय चाइनीज़ राइट नाउ. लेकिन आई विल नॉट शेयर विद यू, डोंट वो चाहिए भी नहीं. यू ओनली ईट अलोन. So all the things are packed. सारा सामान निकल नीचे लेके चले गया है. And we have to say goodbye to this lovely room. यहाँ पे आके हम लोग को 24 hours भी नहीं हुआ ठीक से, but we have to go because मुंबई में बहुत सारा काम है. And I think अभी मैं पूरे रास्ते अपना edit ख़त्म करूँगी ताकि ये vlog ऊपर जाए कल. And I'm just going to go to sleep जितना भी आराम कर सकती हूँ, ताकि जब मैं मुंबई पहुँचूँ तो आई बी फ्रेश एंड आई कैन डू एवरीथिंग. सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो. इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप यहाँ पे नए हो. एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन.